प्रकृति एक अद्भुत खूबसूरत शक्ति जो समग्र सृष्टि का संचार करती है, जो जीवन देती है। ऐसी ही एक अलौकिक अद्वितीय अकल्पनीय शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का संचार करती है, जो प्रकृति और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति, प्रकृति की सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप देवाधिदेव महादेव, जिसमें हजारों शक्तियां समाई है, जो खुद एक शक्ति स्वरूप है, उन्हीं का एक स्थान गुजरात के दक्षिण हिस्से स्थित तापी के किनारे बसा रजवाड़ी नगर सोनगढ़ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी से आए दोण नाम का एक छोटा सा गांव, सह्याद्रिनी के पर्वत श्रृंखलाओं के पांच पहाड़ों के गोद में प्रकृति की नयन रम्य अद्भुत आकर्षित सौंदर्य से भरपूर जंगल स्थित एक धार्मिक स्थानक गोमुख, जहां आशीर्वाद है महादेव का, वरदान है कुदरत का और इतिहास है एक अनंत युग का, जो आज भी समय की कैद के साथ अस्तित्व में है। गोमुख का इतिहास जुड़ा है सप्तर्षि में से एक ऋषि, जिनका ऋग्वेद में अनेक सूक्त है, वहां महर्षि गौतम। स्थानिक जनगण तापी पुराण और तापी जिला प्रवासन ऐश्वर्य से प्राप्त जानकारी अनुसार महर्षि गौतम पर अनजाने में या किसी षड्यंत्र तहत गौ हत्या का आरोप था, जिनके पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनि ने यहां जंगल में घोर तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न करके माँ गंगा का आह्वान किया। महर्षि गौतम के तपोबल से यह स्थान पर गंगा जी प्रकट हुए और गोमुख से बहने लगे। अंततः महर्षि गंगा स्नान से गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए। तब से यह स्थानक गोमुख से विख्यात हुआ। यहाँ माँ गंगा का शांत स्वरूप है। यहाँ गंगा जी एक बहुत ही छोटे से कुंड में विराजमान है। यहाँ से बहता शांत शीतल जल गोमुख से होकर आश्चर्यजनक कुछ अंतर पर जाकर धरती में लुप्त हो जाते हैं। हजारों सालों से बहकर भी यहाँ पानी झरने का स्वरूप ना लेकर वही धरती में समा जाता है, जो माना जाता है कि रजवाड़ी नगर सोनगढ़ के पूर्व दक्षिण की सीमा में सेतेश्वर महादेव के मंदिर समीप एक खूबसूरत सरोवर का आकार लेता है। प्राचीन काल एवं आज भी सोनगढ़ नगर की प्रजा यह सरोवर के पानी का उपयोग कर सुखद प्राप्ति का अनुभव करते हैं। गोमुख स्थान का कुछ हिस्सा और कुछ पहाड़ों का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में भी आता है। गुजरात टूरिज्म अंतर्गत 15,742 स्क्वायर मीटर के विस्तार स्थित मंदिर परिसर के लिए माना जाता है कि यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था। गुरु द्रोण पर से यहाँ प्रदेश का गांव दोण हुआ, जहाँ आए गौमुख में पितृतृप्ति की पूजा करने से पितृदोष शीघ्र ही समाप्त होते हैं। यहाँ के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि पाताल लोक से नाग कन्याएं गोमुख कुंड में स्नान करने आते थे और फिर भोलेनाथ की पूजा करने के बाद फिर पाताल लोक वापस चले जाते थे।
गौमुख में बसे भोले बाबा का यह मंदिर रत्नेश्वर महादेव से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बाबा का शिवलिंग एक चमकता हुआ रत्न था। मंदिर के सामने वाले पर्वत के पीछे से होने वाले सूर्योदय का प्रथम किरण जब शिवलिंग को स्पर्श करता था तो पूरा मंदिर स्वर्ण प्रकाश से जगमगा उठता था। परंतु कुछ सालों से किसी कारणवश रत्नेश्वर महादेव के शिवलिंग की चमक बंद हो गई है। महादेव के मंदिर के साथ यहां भगवान गणेश जी, पवन पुत्र हनुमान जी, काली माता, अंबे माता और गिनीत मंदिरों में से एक हिंगराज माता भी यहां विराजमान है और गंगा जी यहां हजारों वर्ष से अविरत अपने जल से भक्तों का उद्धार करते हैं। मंदिर से ऊपर पूर्व में एक देवस्थान है जो स्थानिक आदिवासियों के देवता है। यहाँ हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ की जाने वाली पूजा संपूर्ण रीत से आदिवासी जीवन शैली के अनुसार होती है। यहाँ क्षेत्र में पूरे साल भक्तों और सैलानियों की आवन जावन लगी रहती है। सावन महीने में महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। बारिश के मौसम में यहाँ प्रकृति का सौंदर्य और भी ज्यादा निखर कर बाहर आता है। पूरा जंगल हरा भरा होकर सारे सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उन्हें अपनी गोद में खेलने के लिए आह्वान करती है। ऊपर से खलखल बहकर आता पानी झरना बनकर नीचे गिरता है और वहां दूसरे झरने से जा मिलता है। यह अद्भुत संगम से पहले झरने का पानी जो धोध का सुंदर रूप धारण करता है वह यहाँ की सबसे खूबसूरत और आकर्षण का केंद्र है। यह वॉटरफॉल सभी प्रकृति प्रेमी और सैलानियों को आकर्षित करता है और आने वाले सभी इसे देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और गिरते हुए पानी में स्नान करने के लिए खींचे चले जाते हैं। यहाँ स्नान का आनंद जीवन काल में एक बार अवश्य प्राप्त करना चाहिए। झरनों की कलकल, पंछियों का कलरव और गिरते दूध के जलाबूंदी की मधुर आवाज और बंदरों की किलकारियों से पूरी वादी खिल उठती है। यहाँ समग्र संसार में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यहाँ अपना दिल निकाल कर रख ना दे। गौमुख एक ही नजर में दिलों में घर कर जाता है। इसकी खूबसूरती आंखों में पूर्णतः नहीं समाई जाती। यहाँ की विशिष्ट माया बार बार यहाँ आने को मजबूर करती है। दक्षिण गुजरात का यह एक बहुचर्चित और विख्यात प्रवासन स्थान है। यहाँ संसार का हर प्राणी कभी भी आ सकता है। इतिहास, आशीर्वाद और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने, जानने, महसूस करने अवश्य मुलाकात करनी चाहिए और यहाँ से जाते वक्त एक खुशनुमा आनंददायी यादों की भेंट के लिए जो अभिनंदन के कारणभूत है वहाँ